अस्सलामुअलैकुम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ख्याल से होंगे। आज का हमारा लेक्चर है सीबीसी सैंपल को हम मशीन पर कैसे रन करते हैं, सीबीसी सैंपल में कितने पैरामीटर्स होते हैं और इसको हम कैसे मशीन को सक करवाते हैं। तो स्टूडेंट टॉपिक की तरह पढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हर वीडियो आप तक पहुँच सके। तो स्टूडेंट बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ, तो आइए देखते हैं कि हम सीबीसी सैंपल को कैसे सीबीसी मशीन पर रन करते हैं। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम पेशेंट की आईडी देंगे। अगर आईडी नहीं है, लैब आईडी होती है, हर लैब की अपनी आईडी होती है। अगर पेशेंट की आईडी नहीं तो फिर पेशेंट का नाम हम लिखेंगे। स्टूडेंट आप देख सकते हैं ये हमारे पास सैंपल है। सैंपल को हम अच्छे तरीके से सबसे पहले मशीन पर रन करने से पहले अच्छे तरीके से शेक करेंगे। शेक करने के बाद उसके बाद हम मशीन पर रन करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये सैंपल हम सीबीसी मशीन पर रन कर रहे हैं। अब हमारी जो सीबीसी मशीन है वो प्रोसेसिंग पर है कि जो सीबीसी में जो 12 पैरामीटर्स है वो काउंट होंगे। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि ये सीबीसी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो चुका है, हमारे पास रिजल्ट शो हो रहे हैं। और ये देख सकते हैं कि पेशेंट की जो एचबी है वो आई है 13.5 और जो आरबीसी हैं वो 4.3 हैं और जो डब्ल्यूबीसी हैं वो 5.5 हैं और इसके ग्रैनुलोसाइट 61 है और जो लिम्फोसाइट हैं वो 31 है और जो बाकी इसमें बच जाते हैं डीआरसी वो हम बेसोफिल्स मोनोसाइट और ईओसिनोफिल्स में मैनेज कर देते हैं। और प्लेलेट्स आप देख सकते हैं 303 हैं और इसकी आईसीटी 38 है, एमसीवी 88 है, एमसीआईसी 31 है और एमसीआईसी 35। सीबीसी को रन करने का मेथड मैंने आपको कंप्लीट बताया कि हम इसको इसमें क्या क्या देखते हैं। 12 पैरामीटर्स हैं इसके, जिसमें डब्ल्यूबीसी, उसके बाद डब्ल्यूबीसी के आगे फर्दर टाइप्स हैं जिसमें हम ग्रैनोसाइट में न्यूट्रोफिल्स देखते हैं, लिम्फोसाइट देखते हैं, मोनोसाइट देखते हैं, ईओसिनोफिल्स देखते हैं, बेसोफिल्स देखते हैं। फिर स्टूडेंट हम देखेंगे आरबीसी के बाद एचजीबी के बाद एचसीटी और उसके बाद देखेंगे एमसीवी के बाद एमसीएच के बाद एमसीआईसी देखते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे कि सीबीसी में जो उसके पैरामीटर्स हैं उसकी एब्रीवेशन क्या है, उसकी नॉर्मल रेंज क्या है, उसके बारे में बताएंगे। तो स्टूडेंट अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़।